अनामिका, मैं यहाँ लोगों से लगातार बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि महिलाएं देखिए कितनी बड़ी संख्या में वोट करने के लिए यहाँ पहुंच रही हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने महिलाओं से बात की है और भी कई महिलाएं हैं, और पीछे ये जो कॉलेज है यहाँ पर पूरा जो रास्ता है दोपहर के वक्त भी भरा हुआ है क्योंकि लोग बड़ी संख्या में यहाँ वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हमने बातचीत की है, महेश शर्मा बार मैदान में है। वो फिर कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी, 400 पार का नारा उन्होंने भी दिया। उनका कहना है कि 2047 तक देश को विकसित करने का संकल्प है, विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है। महेश शर्मा ये बात कह रहे हैं, और क्या कहे महेश शर्मा ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी है। शर्मा जी, आज परीक्षा की घड़ी है, वोटिंग पोल्स शुरू हो गए, किस तरीके से देखते हैं और वोटर्स को क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तीसरी बार फिर से देश प्रधानमंत्री जी को चुनने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। वो अपना एक अभिभावक देखते हैं, वो अपना एक मेंटर देखते हैं, एक लीडर देखते हैं, एक गुरु देखते हैं और एक ऐसा संरक्षक देखते हैं जो हर वक्त उनके साथ खड़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश विकास के मार्ग पर आगे चलकर 2047 तक जो हमारा विकसित मार्ग देश बनने का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने की ओर देश अग्रसर है। बिल्कुल, विपक्ष की बात करें, विपक्ष अब इंडिया गठबंधन के साथ उतरा है और दूसरी तरफ बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है, उनको किस तरीके से चुनौतीपूर्ण देखते हैं आप? देखिए, पिछले बार सारे उत्तर प्रदेश के अंदर सारे विपक्षी लोग मिलकर एक थे, फिर भी हमारी जीत हुई थी, 3.5 लाख वोट के आसपास से जीत हुई थी। इस बार वो अलग अलग भी हैं और मैं समझता हूँ विपक्ष इस वक्त एक कोई उनकी नीतियाँ नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, मौका परस्ती का गठबंधन है जो देश को और प्रदेश को कहीं आगे ले नहीं ले जा सकता। लोगों में विश्वास है कि अगर ये काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गुड गवर्नेंस में। मैं समझता हूँ देश और प्रदेश की जनता का मन बन चुका है, विपक्ष गौण है और अगर आप कहें वो सब लोग मिलकर भी अगर कुछ नहीं कर पाए, 2 जीरो मिलकर 10 नहीं बनते। और अगर बात करें कि पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम थी, दूसरे चरण में क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बार वो बेहतर होगा, पिछले चरण का जो चुनाव था उस वक्त फसल कटाई चरम पर थी बिल्कुल, और किसान के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है फसल कटाई। ऐसा नहीं कि लोगों का मोदी जी के प्रति प्रेम और बढ़ा है पिछली बार से, तो ये सर इस बार में आप देखेंगे कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आखिरी सवाल, एनडीए का नारा है 400 पार, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो क्या आंकड़े इनकी? इससे भी ज़्यादा होगा, लोगों का जो फेथ आप देख रहे हैं, आज जाके देखिए बूथों पर, मेरे पास सवेरे 7 बजे से रिपोर्ट आ रही है कि लाइनें लगी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों के जो बस्ते हैं वो भी नहीं लगे हैं। और देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में साधु संत क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी अनामिका पांडे ने साधु संतों से बातचीत की है, क्या कुछ कहा जरा आपको सुनाते हैं। संतों की नगरी कहा जाता है मथुरा को, तो यहाँ संत भी पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए। आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड हाथ में लेकर वोट करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन संतों के मुद्दे क्या हैं इस बार? सबके मुद्दे एक ही होना चाहिए, देश का विकास कैसे हो, संतों का, आम पब्लिक का, सबका एक ही मुद्दा होना चाहिए, जाति और धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए। और देश के विकास में मुख्य बिंदु है देश में उत्पादन कैसे बढ़े, और जैसे यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, सड़कें हैं, हवाई अड्डे हैं, ये ज़्यादा कौन बनाता है, कौन निर्माण करवाता है, और रोजगार ज़्यादा कैसे मिलते हैं? नहीं, राम मंदिर तो बनना ही था, मुद्दा ये कोई नहीं, लेकिन राम मंदिर लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या लाभ होगा। अब देखिए, राम मंदिर बना है तो कितने लोग जा रहे हैं, तो बस वालों को, टेम्पो वालों को, सभी को लाभ हो रहा है, यातायात में भी लाभ हो रहा है, वहाँ दुकानें खुली हुई हैं उन लोगों को लाभ हो रहा है, वहाँ के जो निजी लोग हैं उन लोगों को भी लाभ हो रहा है, तो मंदिर बनने से लाभ ही तो हुआ, हानि क्या हुई? क्या संतों के हिसाब से मथुरा नगरी का वैसा विकास हुआ है जैसा होना चाहिए था? जी, साधु संत तो प्रसन्न ही है, जैसा योगी जी यहाँ कर रहे हैं वैसे संतुष्ट हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। आपको भी लगता है कि जो काम अभी हो रहा है, प्यास नहीं देखते हैं ये हम तो देखते हैं कि बोले जो अच्छा करता है, ऊपर से नेतृत्व जो अच्छा होता है उसके अनुसार वोट देते हैं। आप भी नेतृत्व तो देख के देते हैं या प्रत्याशी देख के वोट देते हैं? नेतृत्व तो देख करके देते हैं, जो धर्म को माने, गीता रामायण भारत को माने, उसको हम वोट देते हैं। आगे अपना कृष्ण जन्मभूमि में अपना कृष्ण जी स्थापित होंगे अच्छी तरह से,
मस्जिद हटेगी, अपनी यही भावना है। नारा तो अपना जिसका नारा लगना चाहिए उसकी नारा लगना चाहिए, जिसका हित करने वाला आदमी हो उसकी नारा लगना चाहिए, जो देश का अहित चाहता है उसकी नारा नहीं लगना चाहिए। तो मथुरा से अनामिका पांडे हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आपको दिखाने के लिए मौजूद है, लगातार वोटिंग हो रही है, वोटिंग प्रतिशत पर भी अपडेट देंगे। और आइए हम आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। बंगाल के मालदा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले चरण में इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया, दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर किया हमला, कहा टीएमसी घोटाले करती है और भुगतना जनता को पड़ता है। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा ऐसी पार्टी को वोट दें जो विकास में करे मदद, ज्यादा से ज्यादा करें मतदान। अमित शाह का बयान, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद लोगों का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ा है, ज्यादातर लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ईवीएम विरोधियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, वीवीपैट के 100% मिलान की मांग हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान याचिका भी खारिज की, ईवीएम से होता रहेगा मतदान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुनाव आयोग की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा फैसले के बाद शक नहीं होना चाहिए, ईवीएम 100% सुरक्षित। दूसरे चरण के मतदान पर बोले सीएम योगी, कहा फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज, 10 सालों में पीएम मोदी ने भारत का चेहरा बदला, हर जगह दिख रहा है विकास। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र लोकतंत्र के लिए खतरा। खजुराहो से बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने किया मतदान, वोटिंग के बाद बोले धीरेंद्र शास्त्री, कहा भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, हिंदू राष्ट्र की लड़ाई चलती रहेगी। बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के साथ पति रवि राणा ने भी किया मतदान, रिपब्लिक भारत से बोली नवनीत राणा, कहा मोदी है तो मुमकिन है, जनता का भरपूर मिल रहा समर्थन, देश की महिलाओं को मोदी जी पर विश्वास। भागलपुर में अपने परिवार के साथ नेहा शर्मा ने वोटिंग की, मतदान के बाद बोली नेहा शर्मा, कहा लोगों को जरूरत है सही उम्मीदवार को चुने जो विकास करे।